बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुशोखरम जिंदगियां गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। ये किसने कहा था? किसने कहा था? खाला ने कहा था, नैना की खाला ने कहा था। अच्छा, ये उसने तो कह दिया, अलीना नाम है मेरे ख्याल से उसका, खैर उसने तो कह दिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने नहीं कहा होगा, मतलब पब्लिक में नहीं कहा, हो सकता है दिल में कहा हो। सितारा ने कभी नहीं कहा, दिल में कह दिया होगा, पब्लिक में नहीं कहा। छोटी बाजी ने कभी नहीं कहा, दिल में कह दिया होगा, पब्लिक में नहीं कहा। और भी पता नहीं यहां पर कितने लोग हैं जो नहीं कहते, पब्लिक में नहीं कहते, दिल में कहते होंगे। लेकिन कुदरत जो है ना मनाजन, कुदरत जब रस्सियां खींचती है ना, इंसान को भागने का मौका नहीं मिलता। रात लाइव सेशन में मैंने जो चीजें रखी हैं, ये सारा कुछ करने से पहले नाजन मैंने बार बार वार्निंग दी थी, बार बार मैंने बताया था कि मेरे पास जो है, जब वो पब्लिक में आ जाएगा तो फिर जो है वो हर तरफ एक जो है वो लाइक एक तरह का वबाल आ जाएगा, हर तरफ जो है वो ढोल बजेंगे, हर तरफ रोले पड़ेंगे, पड़े हुए हैं, ढोल बज रहे हैं, हर बंदा इस पर बात कर रहा है। लेकिन एक चीज है, मैं तकरीबन मैंने जो है वो कमोवेश सारे लोगों को देखा है, जितने भी लोगों ने इस पर बात की है, एक चीज है, सारे के सारे लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, कोई भी इसकी वजाहत नहीं कर रहा, इस पर एनालाइज इसको लाइक एनालिसिस इस पर नहीं दे रहा, जस्ट न्यूज के तौर पर सारे सुना रहे हैं। और मैंने भी रात यही किया था, मैंने भी इस पर अपना तज्जिया नहीं दिया था, जस्ट न्यूज के तौर पर सुनाया था। वाई? क्योंकि ये चीज ऐसी है, ये बातें ऐसी हैं कि आम तौर पर खवातीन और मेरे जैसे शरीफ मर्द, हम ये करने से भी कतराते हैं, ये बातें दोहराने से भी हम लोग कतराते हैं। लेकिन ये काम, ये कारनामे जिन लोगों ने किए हैं, उनको करते हुए कोई खौफ नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई लिहाज नहीं। और ये सारी की सारी इसी तरह की बातें, इससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर ये बातें सारे जब सितारा का नाम लेकर करते हैं, उसे कैसा लगता होगा। एक चीज और जो मैंने नोट की है, जो लोग इन लोगों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके अगेंस्ट ये सारा कुछ था, उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि ये प्रूफ नहीं है, ये जो है वो छोटी बाजी ने जो है वो आकर कह दिया, रो रो कर बता दिया, कलमा पढ़ पढ़ के बता दिया, कस्में खा खा के बता दिया, दुहाइयां देकर बता दिया, तो ये जस्ट जो है उनकी बताई हुई बातें हैं, ये प्रूफ नहीं है। एग्जैक्टली, ये प्रूफ नहीं है, ये जो है वो उनकी बताई हुई बातें ही हैं जो कि मैंने पब्लिक के सामने रखी हैं, ये एविडेंस नहीं है। लेकिन अगर इन बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता, अगर इन बातों पर यकीन नहीं करना, तो सितारा के ऊपर जितने भी इल्जाम लगाते हैं उन बातों पर यकीन क्यों करते हो? अगर ये बातें यकीन के काबिल नहीं हैं, तो जो बकवासियात, जितना कीचड़ तुम लोग सितारा पर उछालते हो, जो भी करेक्टर असैसिनेशन तुम लोग सितारा के करते हो, उन पर यकीन क्यों करते हो? तुम लोगों को कोई भी जो है वो कुछ चवल बंदा, कोई भी घटिया बंदा, कोई भी सोन आकर तुम लोगों के कान में फूंक मार देता है और तुम लोग रोला डालने लग जाते हो, कुछ भी आकर सोशल मीडिया पर बक देते हो, सेशन में बैठकर खवातीन, मैं हैरान हो रहा होता हूं जब मैं अक्सर हेटर्स के सेशन देख रहा होता हूं, मैं हैरान हो रहा होता हूं, कुछ भी मुंह में आता है निकाल देती हैं, कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई दलील नहीं, बस कुछ भी कैसे भी करके कह दिया, किसी भी बंदे को कुछ भी बना दिया, किसी भी बंदे को किसी के भी साथ जोड़ दिया, कुछ भी। उन बातों पर यकीन क्यों करते हो? उन बातों को अप्रिशिएट क्यों करते हो? और वो करते ही क्यों हैं? बात ही क्यों करते हैं? बात ये है, मुझे पता है कि चूंकि मैं नहीं जानता, मुझे पता है कि इन बातों पर मैंने यकीन नहीं करना, मुझे पता है कि इनका जो है वो कोई सबूत नहीं है, ये जस्ट जो है छोटी बाजी की बताई हुई बातें हैं, आई नो वेल। लेकिन ये क्यों था, आप लोगों तक पहुंचाया क्यों मैंने? ये एक थप्पड़ था जो मैंने उन लोगों के मुंह पर मारा कि जो सितारा के अगेंस्ट बकवास करते हैं, जो सितारा के बच्चों पर बकवास करते हैं, जो सितारा की फैमिली पर बकवास करते हैं। ये उन लोगों के लिए एक झांपड़ था कि तुम लोग बकवास करते हो, तुम लोगों के लिए भी है, तुम लोग इल्जाम लगाते हो, तुम लोगों के लिए भी है,
तुम लोग किसी दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो, तुम्हारे कैरेक्टर पर भी उंगलियां हैं। तुम किसी दूसरे को नीचा दिखाते हो, तुमको नीचा दिखाने वाले भी हैं। ये एक झांपड़ था उन लोगों के मुंह पर। अदरवाइज मैं जो है वो जो छोटी बाजी ने बातें की, मैं उनको सेकंड नहीं कर रहा। आई डोंट नो जो है क्या नाम है, तमन्ना का क्या मैटर था, आई डोंट नो। टीचर कौन था, आई डोंट नो। क्या मैटर था, क्या था जो है वो गुनाह करते हुए किसके साथ देखा था, आई डोंट नो। जहरा मैं ये सारा कुछ जो वो एक ऑब्जर्वर के तौर पे नोट थोड़ी कर रहा था, मैं देख थोड़ी रहा था। मेरे पास कोई एविडेंस भी नहीं है, छोटी बाजी की दी हुई इन्फॉर्मेशन है, एक बताई हुई बातें हैं जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई हैं, उन्हीं की आवाज में पहुंचाई हैं, दैट्स इट। सेम एज जिस तरह जो है वो ये नैना का जो है वो शादी से पहले अबॉर्शन वाला जो मैटर है, किसी से प्रेगनेंसी और फिर अबॉर्शन, किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा था। जैसे कि सेम एज सितारा के ऊपर जो घटिया इल्जाम लगाते हैं, वो भी किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा था। जिस तरह से रुबीना आंटी को जो है वो किसी पटवारी के साथ जो जोड़ा जा रहा है, जिस तरह से वो किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, सेम एज सितारा को जो है वो जो शाह साहब के साथ घटिया लोग जो आकर जोड़ते हैं, वो भी किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा। जिस तरह से तमन्ना को किसी अरबी के साथ कॉल पर बात करते हुए किसी ने अपने कानों से नहीं सुना और अपनी आंखों से नहीं देखा, सेम एज जो आयत के बारे में बकवास की जाती है, वो भी किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, किसी ने अपने कानों से नहीं सुना। ये वॉइसेस जो मैंने रात चलाई हैं, ये एक झांपड़ हैं उन लोगों पर, उन लोगों के मुंह पर मारने के लिए कि जो घटिया बकवासियात करते हैं सितारा यासीन के करेक्टर पर, उसके बच्चों पर। अगर यही बातें, मेरे माइंड में भी एक बात आई है, अगर यही सारी छोटी बाजी की बातें, खुदा ना खास्ता, अगर ये सारा कुछ सितारा यासीन के लिए उन्होंने बोला हुआ होता, आई बेट कि तुम लोगों ने नंगे पोंगे होकर यकीन कर लेना था, आकर यहां पर लुडियां डाल ले होना था। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह पे खा के कोई भी आकर जो है वो सितारा के लिए शादी से पहले जो है वो प्रेगनेंट होने वाली बात कोई अगर कहे, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, ठीक है, अगर कोई आकर इस तरह की बात करता है, तो तुम लोगों के लिए ये बहुत ही कभी फेल होना था। यहां पर आकर जो है वो लोग के जो सितारा से नफरत करते हैं, वो जो हेटर्स की लिस्ट में से अक्सर खावतीन, जिन पर मैं बात भी कर रहा होता हूँ, जो जो है वो लाइक दिल में बहुत ज्यादा बुग्ज रखती हैं, उन्हें कहना, देखा जी, मैंने तो कहा था कि ये वाहियात है, मैंने तो कहा था कि ये बेहयाई है। सितारा करे बेहयाई है, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, मैं कंफर्म नहीं कर रहा। अगर ये बात नैना के लिए है तो बात भी नहीं करेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, नफरत सितारा से क्यों? वो चीज जो सितारा के लिए बहुत बुरी है, वो किसी और औरत के लिए बुरी क्यों नहीं है? सोशल मीडिया पर काम करना सितारा के लिए बहुत बुरा है, एक बेहयाई वाला काम है। यही चीज यहां पर सोशल मीडिया पर कोई 10,000 खवातीन जस्ट पाकिस्तान से काम कर रही हैं, उनके लिए बुरा क्यों नहीं है? वो भी तो सेम है जो है वो कैमरे के सामने आती हैं। वही चीज उन खवातीन के लिए क्यों नहीं है जिनकी आवाज जस्ट सामने आ रही होती है सुनने को, उनके लिए बुरा क्यों नहीं है? अगर ये सितारा के लिए बेहयाई है, तो ये सबके लिए बेहयाई क्यों नहीं है? बस ये रात मैंने किया है, ये कि झांपड़ था उन लोगों के मुंह पर कि जो इस तरह की घटिया बकवासियात करते हैं, और ये झांपड़ मारने से पहले भी मैंने बार बार कहा कि जुबान बंद रखो वरना झांपड़ आएगा, खामोश हो जाओ वरना झांपड़ आएगा, काले करतूत बंद कर दो वरना झांपड़ आएगा। नहीं माने, लगा दिया, बैठकर सहरा रहे होंगे, दैट्स इट। खैर, अब जरा जो है वो मैं थोड़ा सा इस पर आपको तज्जिया भी दे दूं। मैंने रात आपको कहा था कि मैं कल वीडियो में इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। असगर को जानी कहने वाले लोग, मतलब असगर को जानी कहते हुए सितारा के साथ जोड़ने वाले लोग, छोटी बाजी ने जब दिलबर को यह कहा था कि तुम्हारी फैमिली चूंकि नैना और आंटी रुबीना सलमा को सपोर्ट कर रही थी उस वक्त, और जोरों शोर से कर रही थी, बैक स्टेज पूरी प्लानिंग कर रही थी, एक चीज आपने नोट की, चले इसको जरा 2 मिनट के लिए यहीं पर रोकते हैं। एक चीज आपने नोट की, मैंने अभी आपको कहा कि नैना और आंटी रुबीना सलमा को सपोर्ट कर रही थी और जोरों शोर से कर रही थी, बैक स्टेज काम कर रही थी, मैंने ये कहा। अच्छा, इसको सपोर्ट करने के लिए जो एविडेंस मैं आपको अभी फराम करने वाला हूँ, जरा गौर से सुनिए। मेरा लाइव सेशन जाकर देखिएगा रात वाला दोबारा से, स्टार से जब रुबीना आंटी के बारे में, रुबीना और नैना के बारे में ये बता रही थी छोटी बाजी, उन्होंने कहा जी जो है वो ये खातून ने कॉन्टेक्ट किया था ऑस्ट्रेलिया से, बिया नामी खातून ने, और उन्होंने बताया कि नैना ने उनको बताया है, नैना ने उनको बताया है, नैना ने उनको बताया है कि मेरी माँ के साथ छोटी बाजी अच्छा सलूक नहीं करती। नैना ने क्या कहा था, मेरा किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, अम्मी बात करती हैं उनके साथ, वो जो लीडर बनी हुई थी, अम्मी बात करती हैं उनके साथ,
मैं नहीं करती। नैना कह रही है कि मेरी मां बात करती है। सबूत जो सामने आए हैं वो ये कहते हैं कि नैना भी बात करती थी। तो इसका क्या मतलब है? नैना भी बात करती थी और आंटी रुबीना भी बात करती थी, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये प्लानिंग प्लॉटिंग जो कि सितारा के लिए चल रही थी, सितारा के दुश्मनों को सपोर्ट करते हुए, उनको फैसिलिटेट करते हुए, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में इन दोनों का बराबर का किरदार था। अच्छा, फिर जब ये दोनों खवातीन सऊदीया गईं, सऊदीया जाके इन्होंने महाज बनाया कि छोटी बाजी के अगेंस्ट, तो इसका यह मतलब है कि ना सिर्फ छोटी बाजी के अगेंस्ट इन्होंने महाज बनाया, बल्कि ये सारी की सारी तीन की तीन खवातीन ये सितारा के अगेंस्ट महाज बनाने में भी शामिल हाल थी, ये बराबर थी। ठीक है, तो ये अभी अभी मेरे जहन में आ गया। खैर, तो बात यह है कि अगर असगर को जो है वो ये सितारा के साथ इस तरह से जोड़ा जाता है, तो फिर ये दोनों खवातीन वहां पर क्यों गई? असगर तो एक घटिया कैरेक्टर का बनता है ना, इन केस क्यों गई? क्यों, वाई? छोटी बाजी का कहना है कि ये दोनों खवातीन जो है वो तुम्हारा घर भी उजाड़ देंगी जैसे इन्होंने मेरा घर बर्बाद किया। तो फिर ये दोनों खवातीन वहां पर क्यों गई? इसका मतलब पता क्या है? इसका अगर हम सीधा और साफ मतलब लें, छोटी बाजी दिलबर को जो क्लेम जो है वो ये ग्रुप ऑफ थ्री क्लेम कर रहा था, उसको झुटला रही थी सितारा के हवाले से। वो उसको झुटला रही थी कि ये बकवास है जो सितारा के सर पर बांधी गई है। ठीक है, ये मैंने इसलिए ये पॉइंट नोट किया, जो मैंने इसका जो है वो रिजल्ट निकाला है वो मैं आपको पहुंचाने के लिए मैंने पॉइंट इसलिए नोट किया है। ठीक है, अच्छा, टीचर वाली बात जो है वो ये बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है, मुझे अक्सर लोगों ने बताया भी, इवन किसी के खानदान में से कुछ लोगों ने बताया कि ये खालद के पास ट्यूशन पढ़ा करती थी। ठीक है, खालद के पास ट्यूशन पढ़ा करती थी और शायद टीचर वही हो, शायद टीचर वही हो। खैर जी, अपने बाप पर इल्जाम, नैना ने वीडियो बनाकर, अच्छा मुझे ये आज पता चला कि नैना ने ये वीडियो बनाकर प्राइवेट भी की थी। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ छोटी बाजी की बातें हैं, छोटी बाजी ने जो है वो जस्ट अपने दिल का गुबार निकाला है, जस्ट ये फलां फलां फलां, तो उन लोगों के लिए वही लोग ये भी कह रहे हैं कि नैना ने अपने बाप के बारे में वीडियो बनाकर प्राइवेट भी की थी। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि छोटी बाजी ठीक कह रही है रिगार्डिंग नैना, नैना ने खुद भी तो ये कंफर्म किया था। खैर जी, सेम एज जो है वो अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं एंड में जाते हुए आपके साथ करना चाहूंगा, इनफैक्ट सेकंड लास्ट बात। रुबीना आंटी का इंस्टा सलमा की बेटी हैंडल करती है, रुबीना आंटी का इंस्टा सलमा की बेटी हैंडल करती है, ये अक्सर बातें अक्सर लोग आज कर रहे हैं, ये वाली बात अक्सर लोग कर रहे हैं। अच्छा, इस बात को अगर जो है वो ठीक है, इसी बात को जहन में रखते हुए अगर आगे चला जाए, तो नेक्स्ट जो जुमला कहा जा रहा है वो ये है कि शाह की पोस्टों पर दिल भी दिए हुए हैं। रुबीना आंटी का इंस्टा सलमा की बेटी हैंडल करती है और रुबीना आंटी की ही आईडी से शाह की पोस्टों पर दिल दिए हुए हैं। इन दोनों बातों को साथ जोड़कर पढ़िएगा। ठीक है, खैर मैं कुछ नहीं करता भाई, मैं अच्छा जी, चारपाई के नीचे गुनाह होता हुआ होने वाली बात भी अब आप लोगों को अच्छी तरह से कंफर्म हो गई है। डीडी की 40 साल मशूक। हमारी ना पंजाबी की एक मिसाल है, सयाणा का हमेशा गूं तेरे गिराए। मैं अब गूं को डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है, सयाणा का हमेशा गंदगी पर ही गिरता है। डीडी भाई, आपके बारे में जब यजमान मंडी वालियों के साथ जो है वो आपको जोड़ा जाता है, लोग बात करते हैं, मैं उसको भी सेकंड नहीं करता, उसको भी ऑन नहीं करता, मैं जस्ट दलाइल देता हूँ। लाइक मैं जस्ट ये बताता हूँ कि आप वहां गए, ये हो फला फला फला, इची किची मिची, ठीक है, बाकी जो है वो नहीं। अब ये आपकी वालदा मोहतरमा ने ही छोटी बाजी को ये बातें बताई हुई हैं, तो यार 40 साल दीदी भाई, 40 साल किन्नी एज है थोड़ी? मेरे ख्याल कुछ 27-28 साल मैक्सिमम थोड़ी एज होनी, सीधा ही 40 साल, इतनी ओवर एज, मतलब इतना भी क्या यार, बंदे का लाइक स्टैंडर्ड होना चाहिए, इतना भी क्या नीचे गिरना यार, फिर गिरना ही क्यों? आपके पास अपनी बीवी है ना, तो बाहर क्यों? किया हुआ पलट कर आता है ये दुनिया नाजिन, ये दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है, किया हुआ पलट कर आता है। डीडी साहब, अगर आप घर से बाहर मुंह मार रहे हैं, घर में जो है वो सारा कुछ होने के बावजूद अगर बाहर आप मुंह मार रहे हैं, खुदा ना खासा घर पे भी मुंह चलेगा फिर।
अब तक नाज इतना ही। आप अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।